टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आर सुपर इम्पोज्ड, सुपर पोज्ड है ना। द रिजल्टेंट वेव विल हैव एन एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों वेव को क्या किया गया है, सुपर इम्पोज किया गया है। तो पूछा है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो भाई सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वाई नेट विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो ये हो गया वाई वन और ये हो गया वाई टू। अब इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा, देखो ए को कॉमन निकाल लिया और रूट टू से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैसी इक्वेशन बनेगी देखना। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहाँ पर रूट टू से डिवाइड कर दिया इसको, है ना, और प्लस वन बाय रूट टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने रूट टू से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, इक्वेशन सेम ही है अभी भी। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये वन बाय रूट टू को क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 45, है ना। इसको मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैं फाई मान लेता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन फाई प्लस इस वन बाय रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये बन गया साइन 45 और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स को क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाई लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बन गया ए रूट टू। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये साइन 5 प्लस 45 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। साइन 5 प्लस 45 को ओपन करोगे तो यही चीज़ बनेगी, है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये। तो ए रूट टू और यहाँ पर मैं लिख दिया साइन 5 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो भाई अब इस फाई को मैं ओरिजिनल जिस चीज़ को मैं फाई माना था, किसको माना था, ओमेगा टी माइनस के एक्स को माना था, है ना। तो इसको लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है भाई, सॉरी एक साइन यहाँ पर गायब हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, वेव की इक्वेशन ही तो है भाई ये, है ना। और यहाँ पर बगल में क्या लिखा हुआ है, ए रूट टू, तो ए रूट टू जो है अपना एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है ना, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई बस मैं किया हूँ, पूरा मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया हूँ और कुछ खास नहीं है, है ना। तो सिंपल है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो बी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को रूट टू ए, है ना, तो बी इज़ द राइट आंसर।